गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे 5 मिनट में 10 CSS का टेक्स्ट स्टाइल, कैसे एक टेक्स्ट को अट्रैक्टिव डिज़ाइन करें। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू डे बाय डे मेरा वीडियो को देखें। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एडोब ड्रीमवेवर यूज कर रहे हैं। एच टी एम एल क्लोज टाइटल यूज कर सकते हैं। हम हेड स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी बॉडी क्लोज, कोई भी स्टाइल कोई भी टैग को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं जस्ट उसको हम लोग क्लोजिंग करते हैं। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग 50-50 डिवाइड किए, इधर ब्राउजर है इधर मेरा एडोब ड्रीमवीवर। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। स्पैन टैग लेते हैं। स्पैन टैग जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, ये HTML का ही टैग है स्पैन। यहाँ पे हम साइन स्किल लिखते हैं। कंट्रोल एस से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, साइन स्किल यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट आया। अब ये टेक्स्ट में हम स्टाइल डालते हैं। स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS स्टाइल क्लोज। एक क्लास TXT बनाते हैं, मेरा पिछला लेक्चर सेशन में है, आप इसको देखें क्लास क्या है। ये फॉन्ट साइज 50 लिए। अब ये क्लास बनाए, इस क्लास को स्पैन टैग के अंदर हम लोग इनहेरिट करते हैं, क्लास TXT। अब ये इफेक्ट यहाँ पे इनहेरिट होगा। टेक्स्ट साइज बड़ा हो गया। अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कलर डाल सकते हैं आप, ब्लू ले लिए, ये टेक्स्ट कलर ब्लू हो गया। हम लोग इसमें थोड़ा टेक्स्ट शेडो डालते हैं, 10 पिक्सल लेफ्ट से, 10 पिक्सल टॉप से, और फिर कलर शेडो कलर। ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का परछाई है, शेडो है। अब ये हम इसको कलर चेंज करते हैं इसका। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं। टेन पिक्सल पहला कोऑर्डिनेट लेफ्ट से छूट रहा है, 10 के जगह पे 3 किए, लेफ्ट शिफ्ट किया। ये टॉप है, इसको भी हम लोग 4 पिक्सल किए। कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश, ये यहाँ पे सेट हो गया। अब और एक कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे इंटर करते हैं, 10 पिक्सल। ये फेड करेगा, थोड़ा धुंधला करेगा 10 पिक्सल। इस टेक्स्ट में हम चाहते हैं कि लोअर केस में लिखें, लेकिन सारा जो भी लोअर को केस में है वो अपर केस में हो जाए। तो टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, यहाँ पे देखिए स्मॉल में है, S कैपिटल HIN स्मॉल, फिर कैपिटल फिर स्मॉल। तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं, सारा कैपिटल हो गया। इसको हम लोग वर्ड स्पेसिंग, अगर आप वर्ड स्पेस देना चाहते हैं कितना, 50 पिक्सल, तो वर्ड में स्पेसिंग आएगा। आप लेटर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग 50 पिक्सल, लेटर में स्पेस आ गया। थोड़ा कम करते हैं हम लोग, 10 पिक्सल, ठीक है, लेटर स्पेस आ गया, लेटर स्पेसिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। यहाँ पे टेक्स्ट में अंडरलाइन आ गया, जिसमें हम लोग HTML में U टैग यूज करते थे। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन ऊपर में आएगा,
फॉन्ट, विड्थ बोल्ड, टेक्स्ट इससे बोल्ड होगा, बोल्ड हो गया। अब ये हो गया टेक्स्ट का। थैंक यू।